अस्सलाम वालेकुम। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आज आप लोगों के साथ में एक बेहतरीन गोवा की ट्रिप कैसा एंजॉय कर सकते हैं बजट फ्रेंडली पैकेज में, मैं आप लोगों को वो बताने वाला हूं, जिसमें आप लोग स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं, जेट स्की, बम्पर राइड, पैरासीलिंग, स्पीड बोट, बहुत सारे मजे कर सकते हैं आप लोग गोवा के। तो वो कैसा करना, मैं आप लोगों को हर चीज़ बताऊंगा, कैसा आप लोग गोवा तक पहुंचना, फिर गोवा से होटल कैसा पहुंचना, कितना पेमेंट किसको पे करना है, कैसा होटल लेना है आप लोगों को, ए टू जेड मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हे गाइस, व्हाट अ वेरी बॉडी। सो हमारा ब्लॉग शुरू हो चुका है हैदराबाद टू गोवा का, और ये मेरे साथ अब्दुल रहीम एंड मास भाई। फिर वक्त ये गाड़ी में जा रहे हैं हम मियांपुर तक, फिर वहाँ से जो है सो रहेंगी हमारी स्लीपर सेल बस ऑरेंज की तरफ से, जो ऑरेंज कंपनी है ऑरेंज की बस। तो जल्दी जाते हैं भाई, गर्मी आखिरी हो रही है इसके अंदर। सो गाइस, हमारी बस की जर्नी शुरू हो चुकी है। बस मैं आप लोगों को बस के अंदर का जो इंटीरियर है वो बताने वाला हूँ। सो यहाँ पे जो है सो कर्टेन है, उसके बाहर डायरेक्ट विंडो है, और जो अभी मैं जो कंपार्टमेंट में हूँ इसमें दो स्लीपर सीट्स, एक यहाँ पे है मास। वालेकुम सलाम, खैरियत? और यहाँ पे आप लोगों को लाइट्स ऑन ऑफ के स्विचेस मिल जाएंगे। यहाँ पे एसी है, एसी के वेंट्स हैं यहाँ पे दो, और यहाँ पे भी दो। अभी जो है सो मैं आपको इसके थोड़ा पर्दा हटाऊँ, मास पर्दा है सामना इसलिए डाले आपको प्रॉपर बताने के लिए पूरा। सो यहाँ पे अब्दुल रहीम, शो योर फेस, रिवील योर फेस। वालेकुम सलाम। एक क्वेश्चन आप दोनों से, दोनों भी ट्रेन में ट्रैवल करें ना बैंगलोर को एक बार साथ में अपन, तो कंपेयरिंग टू ट्रेन कैसा दिख रहा है सफ़र? इधर अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छा है बस। क्या भाई? सबसे अच्छा बस है, बस में बहुत सेफ्टी है, कन्वीनियंट है, पर्सनल थिंग है, बहुत ज़बरदस्त है कंपेयर टू बस। सही बात है। सो अभी मिलते हैं हम लोग सुबह के 10 बजे, क्योंकि हम लोग 10 बजे गोवा पहुँचने वाले हैं। सो वो हम लोग आ चुके हैं पंजिम। कैसा दिख रहा पंजिम आके, रास्ता कैसा था? अच्छा था, जबरदस्त। अभी जो है सर यहाँ आते की उतरे ने 2 सेकंड में यहाँ पे रेडी थे कैब वाले भाई, आते की 13 किलोमीटर ही जाना है 1200 रुपए बोले, तो यहाँ पे जितना चुकाएंगे उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, वो 1200 बोले तो मैं बोला 150 रुपया देगा। अब मैं 400 बोल के 500 में लेके जाने वाला हूँ, बिकॉज लूट लेंगे अगर आप लोग नेगोशिएट नहीं करेंगे तो। यहाँ पे अभी हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है। कौन सा स्टेशन था सर ये? पंजिम बस स्टेशन पे आप लोग आते कि वहाँ पे आप लोग कैब मिल जाएंगी, ऑटो मिल जाएंगे, बसेस भी रहते क्या वहाँ पे? बसेस भी रहते। तो हमारे साथ अभी संजय अंकल है जो हमको लेके जा रहे हैं कासा दी लौरा होटल। बहुत बेहतरीन होटल है और एकदम रीजनेबल प्राइस में मिली हमको फिल वक्त। उबर एंड ओला नहीं चलता है गोवा में, नहीं चल रहा सर? नहीं चलता है, तो आप लोग को यहाँ पे आके टैक्सी लेना पड़ेगा। और एक बात जो आप लोगों को नोट करने की ये है कि यहाँ पे ये जो महीने में हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे, ये महीनों में जो है तो फॉरेनर्स नहीं रहेंगे, और वहाँ पे जो है तो रहेंगे सिर्फ इंडियंस। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ही रहते हैं फॉरेनर्स, और वो जो लिबास पहन के आते हैं वो लिबास हमको पहनने की इजाज़त नहीं है, तो हम वैसे लिबास में किसी को देख भी नहीं सकते। तो वो हिसाब से एक अच्छा प्लस पॉइंट है ये जो महीने में जा रहे हैं हमला, हमारे इंडियंस रहेंगे ऑलमोस्ट कवर्ड रहते वो पूरा। तो और वैसे भी हमला जो है तो ना फजर में नमाज पढ़ के निकलने वाले बीचेस कन गए तो, बिकॉज पूरा बीच खाली रहता है वो टाइम। लेट्स रोल इट। So guys, right now we are in Goa, Casa de Lairo, जो लोकेट होती है होटल कलंगोट बीच पे, और यहाँ पे बहुत बेहतरीन इंटीरियर है एज यू ऑल हैव सीन, और यहाँ पे ग्रीनरी देख सकते हैं आप लोग, वहाँ पे देखिए कितना ज़बरदस्त है।
तो यहाँ पे डूड आप लोगों को नॉर्मली जो रेंट रहता है ना यहाँ पे 3,500-4,000 रुपए पर डे रहता है। अभी हम आपको जो है ना बहुत बेहतरीन डिस्काउंट में 3,000 पर डे में मिल गया, इतना बेहतरीन डूड, कैन यू बिलीव इट। सो यहाँ पे जो है ना आपको कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर रेडबुल की, रेडबुल कहाँ मिलता पता नहीं, तो कॉफ़ी से चला रहे काम हम अभी। सो अभी हम लोग जाने वाले हैं घूमने के लिए, और कल का जो व्लॉग रहेगा ना, कल भी हम लोग अपलोड करेंगे वहाँ, तो मैं यही व्लॉग में अपलोड करूँगा। कल हम लोग जाने वाले सारे वाटर स्पोर्ट्स पे, तो वाटर स्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो कल आप लोग से मिलते हैं। आज कुछ भी हम लोग करेंगे वो भी मैं ऐड करूँगा। तो गाइस दैट्स इट, लेट्स गो, लेट्स रोल। गाइस अस्सलाम वालेकुम, ड्राइवर का तो बहुत देर हो गई वाटर स्पोर्ट्स के लिए। वो लोग 5:30 को बोले थे, लेकिन उनकी कोऑर्डिनेटर कॉल करके बोले 6 बजे से पहले बाहर मत निकलो, ड्राइवर आके दे रहे हुआ है, अब वो रहेगा या भाग जाएगा समझ नहीं आ रहा। ये से क्या बस जर्नी बिगिंस, रेस्ट करके दौड़ते खींचो, चलो लेट्स गो। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? जबरदस्त, हाउ आर यू गाइस? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो सफर सफर की दुआ पढ़ लीजिए, सुकून से बैठ जाइए। सो यहाँ पे हम आपको ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड किया गया है, एज यू ऑल कैन सी। अब्दुलरहीम मास फॉर यू एंड दिस फॉर मी, अंदर क्या है देखेंगे। ओके, परफेक्ट सैंडविच, पानी, खाना, समोसा निकाल के दिखा दें, क्या बड़ा समोसा है भाई, लेकिन गरम गरम है, जल्दी जल्दी खाएंगे, भूख लग रही दबा के। जैसे आप लोग एक वीडियो देखे होंगे उसके अंदर उन्होंने बताया कि पहले कौन सी राइड करेंगे, फिर स्कूबा डाइविंग में क्या क्या चीजें रहेंगे आप लोग फॉलो करने के लिए। पानी पूरा खारा रहता है, वो ऑफिस जब आप पानी के बाहर निकलेंगे पूरे राइड्स करके, तो आपको शावर लेना जरूरी है। शुरू हो गई हमारी व्लॉगिंग वंस अगेन, हैट जो है सो बहुत बेहतरीन दिख रही थी ब्रो, इसलिए लिया। और अभी आगे हम लोग जेट स्की है पहले, तो एक बार करने वाले सब जने। अभी हम लोग एग्जैक्टली बीच के पास आ गए, तो वो है जेट स्की जो करने वाले हैं। पानी का सुकून का है भाई, चीज। ये है पहला वाटर स्पोर्ट हमारा जो है जेट स्की, एंड एवरीवन वाज एंग्री ऑन द जेट स्की राइडर, बिकॉज ये जो है सो 10 सेकंड में एक राउंड मार के पलटा के वापस लेके आ जा रहे थे, जो सब जनों को अच्छा नहीं दिखा। टू बी ऑनेस्ट मेरे को भी खराब दिखा। उसके बाद हम सब यूनिटी बना के बोले हमें पैसे वापस दे दो या फिर बड़ी राइड दो, तो वो लोग थोड़ा आगे तक लेके गए जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, एंड स्टिल दैट इज नॉट इनफ। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ तो आप लोग स्टैंड लीजिए, यूनिटी बनाइए और उनको रिक्वेस्ट या कंप्लेंट करिए। बिसाइड दिस देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप जेट स्की चलाते तो राइडर को रिक्वेस्ट करिए कि मुझे चलाने दो बोल के, वरना ये लोग आपको बस हैंडल को पकड़ के बिठा देंगे और आपको कुछ मजा नहीं आएगा। जब आप खुद से चलाएंगे आपको बहुत मजा आएगा। और मेरी हैट गिर गई थी निकल के पानी में, तो मेरे को एक्स्ट्रा टाइम पानी में मिल गया। टू बी ऑनेस्ट जितनी देर आप पानी में रहेंगे ना उतना आपको मजा आने वाला है, तो जैसा भी आप जो है उनको रिक्वेस्ट कर सकते करिए, और सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट करिए कि राइडर को मेरे को चलाने दियो जेट स्की बोल के, बिकॉज जब चलाएंगे आप बहुत ज्यादा मजा आएगा, बहुत मजा आ रहा है। भाई तेज तेज और तेज दबागे, फिसल जा रहे। सो दिस इज बनाना राइड, ओके आर यू रेडी फॉर इट? Thank you.
करते हैं अपनी। तो ये फोर्थ राइड है, आ जाइए आ जाइए। तो अभी इसमें क्या होता है वी डोंट नो, जाके देखते हैं, लेट्स गो। थैंक यू सर। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड जो है वो पैरा सीलिंग है पैराशूट में, और उसके बाद जो स्कूबा डाइविंग रहेंगी ना वो रहेंगी। सो गाइस ये है पैरा सीलिंग, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ऊपर तक, और जितने बार आपको पानी में डुबाना है ये लोग डुबाएंगे, लेकिन एक्स्ट्रा 200 रुपीज़ चार्ज करेंगे, वरना एक बार आपको ऊपर ले जाएंगे और नीचे ले लेके आ जाएंगे। तो देख सकते हैं आप लोग कि तोड़ू मोड़ू स्टाइल है, कहते देखेंगे क्या है ये। अरे 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 अरे। तो गाइस स्कूबा डाइविंग से ज़्यादा मेरे को इसके अंदर मज़ा आया पैरासेलिंग में, बिकॉज ये लोग पानी में जो आप लोगों को ऐसा ऊपर नीचे कर रहे थे झूला झुलाया वैसा, लिटरली बहुत मज़ा आया उसके अंदर, एकदम थ्रिलिंग एक्सपीरियंस दिखा पूरे समंदर में पानी के अंदर अकेले आप। ये है फाइनल राइड जो है स्कूबा डाइविंग, इसके बाद हम लोग लंच पे जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को पहले ही मास्क पहनाया जाता है ताकि आपके नाक में पानी ना जाए या फिर आँख में पानी ना जाए उसके लिए। उसके बाद जैसा आप पानी में जाएंगे वहाँ पे एक लाइफ गार्ड रहेंगे जो आपके साथ एक बंदा रहेगा, आपको जो है सो 5 मिनट की ट्रेनिंग देंगे उनके जो है कंप्लीट ऑक्सीजन सिलेंडर रहेगा वो आप लोगों को पहना देंगे पूरा। उसके बाद आपको 5 मिनट की ट्रेनिंग देंगे, फिर आपको 15 मिनट के लिए अंदर लग जाते बोल के बोलते, लेकिन ये लोग ना 5 मिनट भी आपको अंदर नहीं रखते, और अपने लिए वो 2-3 मिनट भी जो अपन अंदर रहते ना वो भी अपने लिए बहुत बड़ी चीज रहती है। स्कूबा डाइविंग के टाइम पे दो लोग आपके साथ पानी के अंदर रहेंगे, एक रहेंगे पहले कैमरामैन जो आपकी वीडियो लेंगे, एंड द सेकंड पर्सन विल बी द ट्रेनर जो देखते रहेंगे कि आप प्रॉपर ब्रीथिंग कर रही है या नहीं। एंड व्हेन द मोमेंट कम्स जब आप लोगों के सामने फिशेस आएंगे सारे, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत मंजर रहता है। साथ में ये एक्सपीरियंस एकदम थ्रिलिंग है बिकॉज पानी के अंदर एकदम साइलेंस होता है, बस आप लोगों के ऑक्सीजन बबल्स की आवाज़ें आती है जो बुड़बुड़ेंगे वो एकदम जो है स्केरी स्केरी दिखता है, लेकिन जब सामने फिशेस भी आते हैं ना वो भी बहुत अच्छा दिखता है। तो 1700 रुपीज में पिक एंड ड्रॉप सर्विस, लंच, ब्रेकफास्ट, साथ में इतने सारे राइड्स बहुत जबरदस्त है। उसके बाद एंड में ये लोग सारे राइड्स के बाद आपको लेके जाके बीच पे ड्रॉप कर देंगे जहां से आप जो है सो लंच करने के लिए जा सकते हैं। तो गाइस अभी जो है स्कूबा डाइविंग हो गई, शावर ले लिए, स्कूबा डाइविंग के फोटोज भी ले लिए, लेकिन फिलवक्त कल नहीं परसों ये बंद होने वाला है, यानी कि एंड ऑफ द डे आए हम लोग जो है ये वाटर एक्टिविटीज होते, इस वजह से जो पानी था वो कंप्लीट जो है तो सैंडी हो गया था। तो स्कूबा डाइविंग के वीडियोस देखे नहीं, उन्होंने बोला कि वीडियोस सही नहीं आए बल्कि, तो देखेंगे वीडियोस जैसे भी है। लेकिन अभी हम लोग को जो है तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी अलॉटेड था और जो है तो अभी लंच भी अलॉटेड है, तो फिश एंड करी यहाँ से स्ट्रेट अंदर जाने के बाद वेज एंड नॉन वेज दो भी आप लोगों को जो है सो जो भी आप लोगों को खाना है आप लोगों के हिसाब से खा सकते हैं, दैट्स गुड। सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं पैकेज कितने में पूछा ये वाटर एक्टिविटीज का पूरा, हमारे को 1700 में पड़ा। दूसरे लोग से बात कर रहा हूँ तो वो लोग बोल रहे थे 2500 में है उनके पास, और जिसके से हम कराए उन्होंने 1700 में करे, 1500 बोल के बाद में 200 एक्स्ट्रा लिए। यहाँ पे बात मालूम हुआ कि वो 800 में है। कोई बात नहीं, कहीं को बोलते बहुत दूर से ट्रैवल करके भी आए लोगों के साथ में, ये बहुत भूख लग रही है, क्या है खाने में बता दूंगा आप लोगों को, अपना वो देखिए। सो लेट्स गो। सो हम लोग को यहाँ पे से श्री गाँव घर कुछ है रेस्टोरेंट का नाम, वहाँ पे जाना है, श्री गाँव घर ये वाला है। तो हम लोग वेज ही खाने वाले हैं, नॉनवेज तो फिर डर हो रहा खाने, मगर वो लोग बोले हलाल है बोले खा सकते बोल के बोले, लेट्स गो एंड सी व्हाट वी हैव हियर। सो ये है देखो हमारे थाली में फिश है, करी है, चिकन करी, राइस, रोटी एंड। तो गाइस दैट्स इट, ये थी कंप्लीट वीडियो आज की। आई होप आप लोगों को आज वीडियो अच्छी दिखी, अगर अच्छी दिखी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्या एग्जैक्टली क्लिक द बेल आइकन, जब भी हमारी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। सो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, पार्ट 2 आने वाला है वो आता है वीडियो का, आई मीन इस जर्नी का, तो वो ही